देखिए, एज रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ एज ऑफ अनु एंड मानु इज 10 ईयर मोर देन सम ऑफ एज ऑफ भानु चानु एंड धनु। एवरेज एज ऑफ चनु एंड धनु इज 19 ईयर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धनु इज धनु इज 10 ईयर एल्डर देन चनु। ठीक है, मतलब कुछ नाम दिए हुए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो क्वेश्चन ये कहता है कि अनु और जो भानु की एज है वो 10 ईयर मोर देन किस किस की एज के बराबर है? भानु की प्लस शानु की प्लस धानु की, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये क्योंकि सेम ही दिया तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी अनु की जो एज है वो 10 प्लस चनु प्लस धनु की, ऐसे बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, इनको नाम भी दे सकते थे एक्स वाई जेड। ये हो गया, ये इक्वेशन वन हो गई। अब हमें ये भी दिया एवरेज एज ऑफ शनु प्लस धनु की, एवरेज एज जो है वो है 19 ईयर, यानी इन दोनों की एवरेज एज अगर हम देखें तो दोनों की एज का सम 38 ईयर है। अगर मैं 38 ईयर रख दूं तो अनु की एज हो जाएगी 10 प्लस 38 यानी 48, मतलब मुझे एक आदमी की एज तो मिल गई अनु की 48 है। अब इसके अलावा एक और बात दी हुई है कि अनु एंड धनु में से धनु इज 10 ईयर एल्डर देन, मतलब धनु की जो मान लो इसकी एज चनु की एक्स है मान लीजिए, तो धनु की कितनी होगी? एक्स प्लस 10, 10 ईयर मोर देन है। तो अगर दोनों को यहां रख दूं तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 38 यानी 2x इक्वल टू 28 यानी x इक्वल टू 14। इसका मतलब चनु की एज हो गई 14 और धनु की एज हो गई 24, राइट? अब आपको बताना क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धनु। तो क्या हो जाएगा? अनु की है 48, धनु की है 24, एवरेज पूछा है तो बाय 2 कर दोगे तो 24 प्लस 12 देन दिस इक्वल टू 36 ईयर, यानी दोनों की एवरेज एज जो है वो 36 ईयर होगी।